वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट के किताब का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द प्रपोजल और जिसको लिखा है एंटोन चेकोव ने। तो पहले चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट एंटोन चेकोव। यानी कि द प्रपोजल, इसका ओरिजिनल टाइटल था अ मैरिज प्रपोजल, जो एक वन एक्ट प्ले है, यानी कि एक एक्ट का नाटक है, और जिसको लिखा है रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामाटिस्ट एंटोन चेकोव ने। ये 1888 से 1889 के बीच लिखा गया है। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विथ अदर वेल्दी फैमिलीज। मतलब ये नाटक उस टेंडेंसी, उस मानसिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें वेल्दी फैमिलीज जो है, मतलब समृद्ध परिवार जो है, वो दूसरे समृद्ध परिवार के साथ ही अपने बेटे या बेटी का शादी करवाना चाहते हैं। टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय इंकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। और इसका कारण ये होता है कि इसके वजह से होगा क्या कि जो एस्टेट है वो एस्टेट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर बेटे का शादी ऐसी लड़की के साथ आप दे रहे हो जिसके जो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों जब मार्च करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बन जाएगा वो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इवान लोमोफ अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुको, मतलब इवान लोमोफ जो है, जो एक बहुत समय से वेल्दी रह चुके एक नेबर, जिसका नेबर ऑफ स्टीफन चुबुकोव, मतलब स्टीफन चुबुकोव ये एक बहुत बड़े लैंड ओनर है, एक बहुत बड़े ज़मींदार है, और इवान लोमोव जो है वो उसका पड़ोसी है। तो ऑल्सो वेल्दी कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव 25-year-old डॉटर नटालिया। मतलब चुबुकोव की बेटी जिसका नाम है नटालिया, उसके हाथ मांगने के लिए, उसके साथ शादी का प्रस्ताव देने के लिए उसको, जो कि चुबुकोव की बेटी है, इवान लोमोव जो ज़मींदार होता है वो चुबुकोव के पास आता है उसके बेटी नटालिया जिसकी उम्र है 25 years उसके हाथ मांगने के लिए। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, मतलब ये जो सारे कैरेक्टर, ये बहुत झगड़ेल है, झगड़ा करते हैं हर वक्त, एंड दे क्वारल ओवर पेटी इशू, सो छोटे से छोटे इशू के ऊपर झगड़ा करते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बींग फॉरगॉटन। अब मेन जो बात है, जो प्रपोजल इनके प्रस्ताव को वो लेके आया था, इन झगड़े के बीच वो कहीं खुद खोया जाता रहता है। एंड अमिडस्ट ऑफ ऑल दिस क्वारलिंग बट द इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड। आखिरकार इकोनॉमिक गुड सेंस आता है, मतलब आर्थिक चीज़ को, आर्थिक जो सही तरीके से मायने में आर्थिक सेंस है वो आने के बाद आखिरकार प्रपोजल करता है लोमोव। और एंड ऑल दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यू, लेकिन झगड़ा कंटिन्यू होता रहता है, झगड़ा चलता रहता है, प्रपोजल तो करता है इवान लोमोव और प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाता है, लेकिन झगड़ा जो है ये दोनों परिवार के बीच, दोनों नेबर्स के बीच ये चलता रहता है। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो पहले कैरेक्टर है स्टीफन स्टेपानोविच चुबुकोव, जो एक लैंड ओनर है, जो एक ज़मींदार है। नटालिया स्टेपनोवा ये है इज डॉटर 25 years old, जो चुबुकोव की बेटी है जिसकी उम्र है 25 years। और इवान वैसिलेविच लोमोव, इवान वैसिलेविच लोमोव ये चुबुकोव के नेबर है, पड़ोसी है। अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, मतलब दिलदार है लेकिन बहुत बड़े दिल का है, लेकिन बहुत सस्पिशियस है, मतलब शक करता रहता है किसी भी इंसान के ऊपर, उस टाइप का आदमी है। तो पहले दिखाया जाता है एक ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस, चुबुकोव के घर का एक ड्राइंग रूम दिखाया जाता है। लोमोव वहाँ पर घुसता है, लोमोव आया है नटालिया को शादी का प्रस्ताव देने के लिए, चुबुकोव से अपनी बेटी का हाथ मांगने के लिए। वेयरिंग ए ड्रेस जैकेट वाइट ग्लव्स, वो एक फॉर्मल ड्रेस पे आता है, वो ड्रेस जैकेट वाइट ग्लव्स पहन के आता है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, और चुबुकोव उठ खड़ा होता है उसे मीट करने के लिए। चुबुकोव माई डियर फेलो Whom do I see? अब चुबुकोव कहता है कि माई डियर फेलो whom do I see? ये मैं किसको देख रहा हूँ? इवान वैसिलेविच आया है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। स्क्वीजेस हिज हैंड, नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। उसके बाद उसका हैंड शेक करता है, स्क्वीजेस हिज हैंड मतलब हैंड शेक करना, और दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग हाउ आर यू, मतलब ये तो बहुत चौंका दिया तुमने, कैसे हो तुम? तब लोमोव कहता है थैंक यू, हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, कैसा चल रहा है आपका? तो चुबुकोव कहता है वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ, किसी भी तरीके से चल रहा है। माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स, तुम्हारे प्रार्थना के वजह से, एंड सो ऑन। सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट नेबर्स। ये देखो, तुम तो पड़ोसी को भूल ही जाते हो, हम लोगों को तो भूल ही गए हो, तो यहाँ पर आते जाते नहीं हो। माई डार्लिंग माई डियर फेलो वाई आर यू सो फॉर्मल यू नो गेटअप। लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम इतना फॉर्मल गेटअप पे क्यों आए हो? फॉर्मल गेटअप मतलब आप जब कोई ऑफिस में जाते हो,
किसी पार्टी में जाते हो तो आप एक फॉर्मल गेटअप पे रहते हो, तो वो कहता है कि आप फॉर्मल गेटअप पे क्यों हो, इवनिंग ड्रेस क्लब्स एंड सो, अभी इवनिंग ड्रेस पहन के आए हो, ग्लव्स पहन के आए हो, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेसर, कहीं जा रहे हो क्या? तो रोमो कह रहा है कि नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, जस्ट मैं आपसे आपको मिलने के लिए आया हूँ। ऑनर स्टीफन स्टीफनोविच, हे ऑनर स्टीफन स्टीफनोविच, हे सम्मानीय स्टीफन स्टीफनोविच, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो चुबुकॉप बोल रहा है कि देन व्हाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस, तो फिर ये इवनिंग ड्रेस पे क्यों आए हो? माय ब्लिस, यस, यानी कि मुझसे मिलने के लिए आए हो, एक पड़ोसी से मिलने के लिए आए हो, तो वो इवनिंग ड्रेस पे क्यों आए हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट, ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर के ईव के विजिट पे आए हो तुम। तो लोमो कह रहा है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं सिर्फ आया हूँ आपको थोड़ा सा कष्ट देने के लिए, मेरे एक अनुरोध से आपको थोड़ा सा कष्ट देने के लिए। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, सिर्फ एक बार दो बार नहीं, बहुत बार ही मैंने आपसे मदद मांगा है, एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और हर बार आपने मुझे मदद की। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत उत्तेजित हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। ऑनर स्टीफन स्टीफनोविच, मतलब वो तो उत्तेजित तो होगा ही क्योंकि उसके बेटी का हाथ मांगने आया है, इस समय थोड़ा टेंशन तो होगा ही उसको, टेंशन की वजह से गला सूख रहा है, इसलिए उसे पानी की ज़रूरत है। तो चुबुकॉप उस समय बोलता है कि यस कम टू बोरो मनी शैंड गिव हिम एनी, ज़रूर पैसा मांगने के लिए आया है। चुबुकॉप को यह लगता है ज़रूर पैसा मांगने के लिए आया है, पैसा तो मैं इसको देने वाला नहीं हूँ। वॉट इज़ इट माई ब्यूटी, तो वो पूछता है कि हाँ हाँ बताओ बताओ क्या है, क्या क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। मतलब यहाँ पर एक चीज़ बता दे, ये एसाइड जो है ना, एसाइड लिखा हुआ है, एसाइड का मतलब एसाइड ऐसा चीज़ होता है, मतलब कैरेक्टर कुछ बोलेगा, ठीक है, हम कभी कभी सीरियल में या मूवी में देखते हैं कैरेक्टर कुछ बोल रहा है लेकिन वो साइड में हट के बोल रहा है, वो हम लोगों को सुनाई देता है लेकिन उस कैरेक्टर को सुनाई नहीं देता। इसका मतलब अपने मन में ये बात बोलता रहता है कि ज़रूर पैसा मांगने के लिए आया होगा, नहीं पैसा नहीं दूंगा। उसके बाद उसको ज़ोर से बोलता है कि हाँ हाँ बताओ क्या कैसी मदद की ज़रूरत है। तो लोमा बोलता है यू सी ऑनर स्टीफन स्टीफनोविच, आई बेग योर पार्डन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी दो आई डोंट डिजर्व इट। तो वो सब बोलता है कि मैं आपका माफ़ी मांगना चाहता हूँ, एक्चुअली एकमात्र आप ही मुझे हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। ऑफकोर्स आई हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, वैसे भी मेरा कोई अधिकार नहीं है आपका हेल्प मांगने का इस बारे में, लेकिन फिर भी आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो चुबू को बोलते हैं ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, अरे ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, क्या बात है, सीधी तरीके से बोलो ना। तो लोमो बोलता है कि वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, The fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stefanova in marriage. Actually, मैं आया हूँ आपकी बेटी का हाथ मांगने, आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, और उसकी बेटी का नाम क्या है, Natalia Stefanova। ये जो सीन है ये आप देख रहे हो, बाई तरफ लोमो और दाई तरफ चुबुकॉफ। तो चुबुकॉफ ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, वो बोलते हैं बाई जोब इवान वैसिलेविच से इट अगेन, अरे फिर से बताओ क्या कहना चाहते हो, आई डिडेंट हियर इट ऑल, मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया। आई हैव द ऑनर टू, तो लोमो फिर से कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं क्या आपसे आपकी बेटी का, तब वो चुप कर वहाँ पर उसको वहाँ पर रोक देता है बीच में, बोलता है माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ एंड सो ऑन, यू इंडीड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंग एम्ब्रेसेस एंड किसेस, लोगों को गले लगा लेता है, वो इतना खुश होता है और उसको किस करता है। आई हैव बीन होपिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिनों से ये चाहता था, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये तो मेरा पहले से इच्छा था। शेड ज टीयर, आई ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू आर माई ओन सन, मैंने तो तुम्हें अपने बेटे की तरह देखा है। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भगवान तुमको उसको उसकी मदद दे, उसका प्यार दे एंड सो ऑन एंड सो मच होप, बट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, लेकिन मैं ऐसा अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रहा हूँ, आई एम ऑफ माई बैलेंस विच, मैं इतना खुश हो गया हूँ इसलिए मैं ऐसा अजीब सा बर्ताव कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ज़रूर मैं अपना होशो आवाज खो चुका हूँ। ओ विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, मैं जरूर जाऊँगा और नताशा को बुलाऊँगा। लोमो ग्रेटली मूव्ड, अब लोमो बहुत प्रभावित हो जाता है इस बात से। ऑनर स्टीफन स्टीफनोविच डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट, मतलब लोमो यहाँ पर कहता है कि क्या मैं उसकी राय, उसका राय होगा, मतलब नतालिया का राय होगा कि वो राजी होगी मुझसे शादी करने के लिए। तब चुबुकॉफ बोलता है कि Why, of course, my darling, and as if she won't consent, she is in love, egad.
शी इज लाइक अ लवसिक कैट एंड सो ऑन शैन बी लॉन्ग। मतलब ये वो कह रहे हैं कि तालिया तो प्यार करना जानती है, वो प्यार करती है, वो प्यार पसंद करती है, तो वो क्यों नहीं राजी होगी, वो ज़रूर राजी करे, राजी हो जाएगी। तब लोमोप कहता है कि इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग, कितना ठंडा है, मैं पूरी तरीके से कांप रहा हूँ, ट्रेमलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज आई हैव गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई एग्जाम है। द ग्रेट थिंग आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और मैंने अपने मन बना लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक टू हेजिटेट, अगर मैं अपने आप को ज़्यादा सोचने के लिए समय दूंगा, अगर मैं हेजिटेट करूँगा, टू टॉक अ लॉट, और अगर ज़्यादा बात करूँगा, और टू लुक फॉर एन आइडियल और रियल लव, और आदर्श लव, आइडियल लव और रियल लव को ढूंढूंगा, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो कभी शादी नहीं होगी। मतलब जिस तरह से हम टी वी में या मूवी में देखते हैं एक आइडियल लव, उसका वेट अगर करूँगा तो मेरा शादी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आयरोनिकली ये कहा जा रहा है कि आइडियल लव दुनिया में कभी मिलेगा ही नहीं। इट्स कोल्ड नतालिया, बहुत ठंडा है नतालिया। स्टेफानोवा इज़ एन एक्सलेंट हाउस कीपर, और वैसे भी नतालिया बहुत अच्छी हाउस कीपर है, घर का देख रेख अच्छी तरीके से कर सकती है, नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी ख़राब नहीं है, वेल एडुकेटेड, पढ़ी लिखी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे इससे भी ज़्यादा क्या चाहिए, पर आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, और ऐसे जैसे मेरे कान बज रहे हैं, मैं इतना उत्तेजित हो रहा हूँ कि मेरा कान बज रहे हैं। वो ड्रिंक्स पानी पीता है, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और शादी ना करके तो मैं रह ही नहीं सकता। इन फैक्ट इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, क्योंकि मेरा 35 हो गया है उम्र, क्रिटिकल एज, सो टू स्पीक, बहुत ख़तरनाक एज है ये। मतलब 35 साल हो गया है, इसके बाद अगर और थोड़ा एज हो जाए तो शादी नहीं होगी। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और मैं एक शांत सा जीवन, एक रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, और मेरा पैल्पिटेशन की बीमारी है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं उत्तेजित भी हो सकता हूँ और मैं हताश भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ। एट द वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, देखो इस टाइम में मेरे लिप्स जो है, होंठ जो है, वो भी कांप रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और से डाई जो आईब्रो है वो भड़क रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, सबसे ख़राब तो जिस तरीके से मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गॉट गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव अ पुल, और मुझे क्या होता है कि मैंने जब सोने जाता हूँ तब बाईं तरफ से मुझे कुछ खींच रहा होता है, ऐसा महसूस हो रहा है। आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, आई जंप अप लाइक ए लुनाटिक, और ऐसा जब महसूस होता है तो मैं पागलों की तरह उड़ जाता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, थोड़ा सा चलता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ स्लीप, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ फिर से मुझे कोई खींच रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। एंड दिस मे हैपन 20 times, और ये 20 बार होता है। और उसके बाद नतालिया स्टेफानोवा की एंट्री होती है। तो ये पार्ट यही तक है, इसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।